फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग एरिना। आज हम MPCHO 2020 के पेपर के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 31 से हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, इन विच कम्युनिकेबल डिजीज द एसिड फास्ट बेसिलाई टेस्ट इज पॉजिटिव। कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज में एसिड फास्ट बेसिलाई बैक्टीरिया जो है वो पॉजिटिव होता है? तो ऑप्शंस कुछ ऐसे हैं, ऑप्शन ए टिटनस एंड लेप्रोसी, ऑप्शन बी डिप्थीरिया एंड टिटनस, ऑप्शन सी पोलियोमेलाइटिस एंड टिटनस एंड ऑप्शन डी ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोसी। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोसी। ट्यूबरकुलोसिस का कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। और लेप्रोसी का कौन सा होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। तो दोनों की जो फैमिली है वो माइकोबैक्टीरियम सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये एसिड फास्ट बेसिलाई होते हैं। तो एसिड फास्ट बेसिलाई टेस्ट पॉजिटिव किस में आएगा? ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लेप्रोसी इज, लेप्रोसी का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ऑप्शन ए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ऑप्शन बी फीकोरल रूट, ऑप्शन सी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो लेप्रोसी का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है ऑप्शन ए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। टीबी का भी सेम यही है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, वैसे ही लेप्रोसी का भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। क्वेश्चन नंबर 33, SARS stands for, SARS stands for, फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? ऑप्शन ए देखिए, स्टैंडर्ड एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सब एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या शोइंग ऑल रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो SARS stands for ऑप्शन बी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसका एग्जाम्पल आप कोरोना वायरस ले सकते हैं, कोरोना वायरस भी इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, रूबेला इज ऑल्सो नोन एज, रूबेला को और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए टिटनस, ऑप्शन बी वूपिंग कफ, ऑप्शन सी मिजल्स एंड ऑप्शन डी जर्मन मिजल्स। यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी जर्मन मिजल्स। रूबेला का दूसरा नाम है जर्मन मिजल्स। क्वेश्चन नंबर 35, रिकमेंडेड डिसइंफेक्टेंट स्पेसिफिक टू किलिंग टू कोरोना वायरस इज, कोरोना वायरस को डिसइंफेक्ट करने के लिए स्पेशली कौन सा डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाता है या रिकमेंडेड है? ऑप्शन ए कार्बोलिक एसिड, ऑप्शन बी लाइजोल, ऑप्शन सी फिनाइल या ऑप्शन डी सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीएनए वायरस, इनमें से कौन सा डीएनए वायरस है? तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ पूछा जाता है। तो क्वेश्चन 36 का आंसर है ऑप्शन बी, हेपेटाइटिस बी जो है वो एक डीएनए वायरस है। इसी का दूसरा नाम कहते हैं, क्वेश्चन में आ सकता है सीरम हेपेटाइटिस, किसको कहते हैं? तो सीरम हेपेटाइटिस कौन सा है? हेपेटाइटिस बी। क्वेश्चन नंबर 37, द वेरियस ड्रग यूज्ड फॉर लैक्टेशन सप्रेशन आर ऑल एक्सेप्ट। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेरियस ड्रग यूज्ड फॉर लैक्टेशन सप्रेशन, लैक्टेशन सप्रेशन के लिए बहुत सारे ड्रग्स यूज किए जाते हैं, ऑल आर एक्सेप्ट, मतलब तीन इसमें लैक्टेशन सप्रेशन के लिए यूज किए जाते हैं और एक कौन सा ड्रग है जो कि लैक्टेशन सप्रेशन नहीं करता है? ऑप्शन है इसमें ए टेबलेट कार्बेगोलिन, ऑप्शन बी टेबलेट पाइरिडॉक्सिन, ऑप्शन सी इंजेक्शन मिक्सोजेन एंड ऑप्शन डी इंजेक्शन मिथार्जिन। तो कौन सा वो ड्रग है जो कि लैक्टेशन सप्रेशन का काम नहीं करता? तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर है, इंजेक्शन मिथार्जिन। बाकी तीन है वो लैक्टेशन सप्रेशन में
काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, द एसेंशियल कैरेक्टर ऑफ ए गुड नर्सिंग सर्विस डिपार्टमेंट इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। फिर से वही क्वेश्चन आया है, ये एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन मोस्ट ऑफ सीएचओ में ये एक्सेप्ट वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि गुड नर्सिंग सर्विस डिपार्टमेंट के लिए असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब एक को छोड़कर। तो कौन कौन से होंगे ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए इवेल्युएटिंग नर्सिंग सर्विसेज पीरियडिकली, नर्सिंग सर्विसेज को टाइम टू टाइम पीरियडिकली इवेल्युएट करना है। ऑप्शन बी है फॉर्मुलेशन ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सिंग सर्विसेज, नर्सिंग सर्विसेज का रिटर्न स्टेटमेंट मतलब उसका पर्पस और ऑब्जेक्टिव रिटर्न फॉर्मूला के अंदर हो। ऑप्शन सी अवेलेबिलिटी ऑफ रिटर्न प्रोसीजर फॉर नर्सेस, नर्सेस के लिए रिटर्न प्रोसीजर जो है वो रिटर्न फॉर्म में अवेलेबल हो। एंड ऑप्शन डी रनिंग द हॉस्पिटल विथ मिनिमल स्टाफिंग। तो ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि हॉस्पिटल को मिनिमम स्टाफ के साथ में, मिनिमम स्टाफ कम से कम स्टाफ के साथ में चलाना। तो गुड नर्सिंग सर्विस डिपार्टमेंट का एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है इसमें से, तो ऑप्शन डी रनिंग दी हॉस्पिटल विथ मिनिमल स्टाफिंग, मिनिमल स्टाफिंग नहीं जबकि यहाँ होना चाहिए एडिक्वेट स्टाफिंग या एडिक्वेट स्टाफिंग के साथ में, प्रॉपर स्टाफ के साथ में चलाना है। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया, इनमें से कौन सी डिजीजेज जो हैं वो इरेडिकेट हो चुकी है इंडिया से। ऑप्शन ए लेप्रोसी ट्यूबरक्लोसिस स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन बी मीजल्स पोलियो स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन सी स्मॉल पॉक्स गुनियावॉर्म पोलियो एंड याज, एंड ऑप्शन डी सार्स पोलियो एंड स्मॉल पॉक्स। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी स्मॉल पॉक्स गुनिया, ये आधा नाम है गुनियावॉर्म पोलियो एंड याज, ये चारों डिजीज इंडिया से इरेडिकेट हो चुकी है। जबकि पहले ऑप्शन में देखिए लेप्रोसी और ट्यूबरक्लोसिस अभी भी हैं, ऑप्शन बी में देखिए मीजल्स अभी भी हैं, ऑप्शन सी में है वो कोई भी डिजीज अभी सारी डिजीज इरेडिकेट हो चुकी है, अभी कोई भी प्रेजेंट टाइम में नहीं है, एंड ऑप्शन डी में सार्स जो है वो अभी प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 40, ब्रैकीथेरेपी रेफर्स टू, ब्रैकीथेरेपी का मींस क्या है यहाँ बताना है। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए गिविंग एंटी कैंसर ड्रग थ्रू इंट्रावीनस रूट, एंटी कैंसर ड्रग्स को इंट्रावीनसली एडमिनिस्टर करना ब्रैकीथेरेपी है। ऑप्शन बी प्रोसीजर ऑफ प्लेसिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल इनसाइड द बॉडी, ऐसा प्रोसीजर जिसमें एक रेडियो एक्टिव मटेरियल को बॉडी के अंदर इम्प्लांट किया जाता है, रखा जाता है। ऑप्शन सी देखिए पासिंग रेडियो एक्टिव रेज इन द बॉडी, बॉडी से रेडियो एक्टिव रेज को, किरणों को पास करवाना, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ब्रैकीथेरेपी किसे कहते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर होगा, कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल को बॉडी के अंदर प्लेस करना, बॉडी के अंदर इम्प्लांट करना, इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, ब्रैकीथेरेपी। बाकी के बारे में, बाकी ऑप्शंस के बारे में भी देख लेते हैं, गिविंग एंटी कैंसरस ड्रग थ्रू इंट्रावीनस रूट, तो ये कीमोथेरेपी का पार्ट है, इसको क्या कहते हैं, कीमोथेरेपी। सेकेंड हो गया ब्रैकीथेरेपी, और थर्ड पासिंग रेडियो एक्टिव रेस का मतलब इस प्रोसीजर को हम कहते हैं टेलीथेरेपी, क्या कहते हैं, टेलीथेरेपी। तो यहाँ तीन क्वेश्चन और क्लियर हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पे देखेंगे, व्हाट इज पैलिएटिव केयर, पैलिएटिव केयर क्या है, ऑप्शंस को देखते हुए समझते हुए चलेंगे। ऑप्शन ए इज एन अप्रोच टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पेशेंट एंड देयर फैमिली हु आर फेसिंग देयर लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस, ये एक ऐसा अप्रोच है जिसमें पेशेंट और पेशेंट की फैमिली की लाइफ, फैमिली की लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस मतलब जिसमें कि मरना तय है, इस टाइप की किसी डिजीज से अगर पेशेंट या फैमिली सफ़र कर रही है तो उनकी लाइफ को, उनकी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना पैलिएटिव केयर है। ऑप्शन बी इज एन अप्रोच टू क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पेशेंट विथ टर्मिनल कैंसर, ये अप्रोच है जो कि टर्मिनल कैंसर से जूझ रहे मरीज की
लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। ऑप्शन सी है इज एन अप्रोच टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। ये अप्रोच क्या करती है, ट्रीटमेंट के कॉस्ट को रिड्यूस करती है। या ऑप्शन डी इज एन अप्रोच टू रिड्यूस मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी ऑफ द कंट्री। मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी, किसी देश की मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी को कंट्रोल या कम करने के लिए ये अप्रोच यूज की जाती है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा, पलाइटिव केयर क्या है, पलाइटिव केयर का ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये एक ऐसी अप्रोच है जिसमें कि पेशेंट या पेशेंट की फैमिली ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस से अगर जूझ रही है, सफ़र कर रही है, तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना पलाइटिव केयर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 42, अप्रोच फॉर कैंसर प्रिवेंशन पॉलिसी आर। कैंसर प्रिवेंशन पॉलिसी में कौन सी अप्रोच यूज करते हैं, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, ऑप्शन बी स्क्रीनिंग, ऑप्शन सी पलाइटिव केयर, या ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा, कैंसर प्रिवेंशन पॉलिसी के अंदर, तो यहाँ हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। यहाँ राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, जिसमें अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट करेंगे, स्क्रीनिंग एंड पलाइटिव केयर तीनों आएगा। क्वेश्चन नंबर 43, कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर कॉशन ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। कार्डियोवास्कुलर डिजीज के कॉज को कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर कौन से हैं, तो ऑप्शन ए जेनेटिक, टोबैको, एल्कोहल एंड फिजिकल इनएक्टिविटी, ऑप्शन बी जेनेटिक, एल्कोहल, एयर पोल्यूशन, ऑप्शन सी डायबिटीज, वाटर पोल्यूशन एंड ओबेसिटी, एंड ऑप्शन डी डायबिटीज, जेनेटिक, ओबेसिटी, कंजेनाइटल हार्ट प्रॉब्लम। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा कि कौन से कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है कार्डियोवास्कुलर डिजीज के कारणों के लिए, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, जेनेटिक है, टोबैको का यूज़ है, एल्कोहल यूज़ है और फिजिकल इनएक्टिविटी, ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के लिए। ऑप्शन बी में देखेंगे एयर पोल्यूशन नहीं है, ऑप्शन सी में वाटर पोल्यूशन नहीं है बाकी, और ऑप्शन डी के अंदर कंजेनाइटल हार्ट प्रॉब्लम्स वो भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इंक्लूड्स। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में क्या क्या इंक्लूड है, आईईसी एक्टिविटी। आईईसी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटी, बिल्कुल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में ये यूज़ की जाती है। एड्स एजुकेशन मतलब एड्स के बारे में एजुकेट करना, अवेयरनेस फैलाना, यूनिवर्सिटी टॉक, एड्स प्रोग्राम एंड ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में ये सभी चीज़ें इंक्लूड हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर, आईईसी इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटी, एड्स एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी टॉक एड्स प्रोग्राम। जैसा कि मैंने यहाँ किया है, आईईसी का मतलब इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, एंड एड्स का मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 45, द एडोलसेंट पीपल आर इन विच एज ग्रुप एज पर WHO। एडोलसेंट पीपल्स की जो एज ग्रुप है वो किस एज ग्रुप में आती है, एडोलसेंट किसको बोलेंगे अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन ए 9 to 19 ईयर, 12 to 19 ईयर, 10 to 19 ईयर, या फिर मोर देन 19 ईयर। एडोलसेंट एज कौन सी होती है, तो WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन सी या राइट आंसर है 10 to 19 ईयर एज ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 46, हाउ मेनी NFHS हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड इन इंडिया टिल नाउ। तो NFHS कितने कंप्लीट हो चुके हैं, कितने इसके राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, 2, 4, 3 या फिर 5। तो यहाँ हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 4, 2015-16 में लास्ट हुआ था, 2015-16 के अंदर 4th NFHS सक्सेसफुली हुआ था। तो अब इसकी फुल फॉर्म भी देख लेते हैं, फुल फॉर्म है द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो कितने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हो चुके हैं, तो 4 हो चुके हैं, लास्ट 2015-16 में हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 47, दी NRR मींस, NRR का मींस पूछा है। ऑप्शन ए नेट रिप्रोडक्शन रेट, नेशनल रिप्रोडक्टिव रेट, नेशनल रेस्पिरेटरी रेट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए नेट रिप्रोडक्शन रेट। क्वेश्चन नंबर 48, द एज एंड सेक्स ऑफ ए कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय, किसी देश के अंदर किसी कंट्री का एज एंड सेक्स जो है वो किस प्रकार से डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए पाई चार्ट में, ऑप्शन बी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ऑप्शन सी पॉपुलेशन पिरामिड या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी पॉपुलेशन पिरामिड। 9, क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन, कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है। ऑप्शन ए बैरियर, ऑप्शन बी सर्जिकल, ऑप्शन सी नेचुरल या ऑप्शन डी हॉर्मोनल। तो कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो ओव्यूलेशन को स्टॉप करता है, प्रिवेंट करता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, हॉर्मोनल मेथड, जिसमें हम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन टेबलेट्स देते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, द कॉपर यूज्ड इन कॉपर टी हैज़ द फॉलोइंग एक्शन, कॉपर टी के अंदर जो कॉपर यूज किया जाता है उसका एक्शन क्या है। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए ब्लास्टोसाइडल, ऑप्शन बी बैक्टीरियोस्टैटिक, ऑप्शन सी बैक्टीरियोसाइडल या फिर ऑप्शन डी स्पर्मीसाइडल। तो जो कॉपर टी होती है उसमें कॉपर का यूज क्या होता है, ऑप्शन डी यहाँ हमारा राइट आंसर है, स्पर्मीसाइडल। क्वेश्चन नंबर 51, विच वन इज ए नेचुरल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, इनमें से कौन सा मेथड फैमिली प्लानिंग मेथड जो है वो नेचुरल मेथड है। ऑप्शन ए देखिए BBT बेसल बॉडी टेम्परेचर, ऑप्शन बी ट्रेसिंग चेंजेस इन सर्वाइकल म्यूकस, ऑप्शन सी BBT मतलब बेसल बॉडी टेम्परेचर एंड ट्रेसिंग चेंजेस इन सर्वाइकल म्यूकस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। यहाँ हमारा राइट आंसर क्या बनता है, BBT और ट्रेसिंग चेंजेस इन सर्वाइकल म्यूकस दोनों ही नेचुरल मेथड है फैमिली प्लानिंग के। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ दीज इज ए परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, परमानेंट मेथड कौन से है कॉन्ट्रासेप्शन के। तो ऑप्शन ए ट्यूबल लाइगेशन, ऑप्शन बी MTP, ऑप्शन सी वेसेक्टोमी या ऑप्शन डी ट्यूबल लाइगेशन एंड वेसेक्टोमी। तो यहाँ हमारा राइट आंसर कौन सा है, परमानेंट मेथड कौन से हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, ट्यूबल लाइगेशन, जिसमें क्या करते हैं फेलोपियन ट्यूब को लाइगेट कर देते हैं, मतलब सूचर से बांध देते हैं। ओके, लाइगेशन का मतलब बांध देना, टाई कर देना। तो फेलोपियन ट्यूब को टाई करने को ट्यूबल लाइगेशन कहते हैं। वेसेक्टोमी में वास डिफरेंसिया को काट के ये मेल में की जाती है, फीमेल में की जाती है। ठीक है, ट्यूबल लाइगेशन फीमेल में, वेसेक्टोमी मेल के अंदर। मेल में जो वास डिफरेंसिया होती है, वास डिफरेंसिया को कट करके सील कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, द ऑर्डर टू परफॉर्म CPR एज पर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन इज, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग CPR का ऑर्डर क्या है, CPR करने का ऑर्डर क्या है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। ऑप्शन ए एयरवे ब्रीथिंग कंप्रेशन ABC, ऑप्शन बी ब्रीथिंग एयरवे कंप्रेशन BAC, ऑप्शन सी कंप्रेशन एयरवे एंड ब्रीथिंग CAB एंड नन ऑफ दीज। तो आपको ऐसे डायरेक्ट ऐसे नाम देकर भी पूछ सकता है और डायरेक्ट ABC, BAC या CAB करके भी पूछ सकता है। तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ऑर्डर क्या है, ऑप्शन सी पहले कंप्रेशन करेंगे एयरवे देन ब्रीथिंग। क्वेश्चन नंबर 54, द रेशियो ऑफ कार्डियक कंप्रेशन एंड आर्टिफिशियल ब्रीथिंग इज, CPR के अंदर ये कार्डियक कंप्रेशन और आर्टिफिशियल ब्रीथिंग का रेशियो क्या होता है, 15:2, 60:6, 12:3 एंड 30:2। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 30:2। क्वेश्चन नंबर 55,
दी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर चॉकिंग इज, चॉकिंग के लिए फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या है? ऑप्शन ए, ट्राई टू रिमूव द ऑब्जेक्ट विथ योर फिंगर्स, आपकी उंगलियों से आपको क्या करना है, जो गले में चीज़ फंस गई है उस ऑब्जेक्ट को निकालना है। ऑप्शन बी, गिव फाइव शार्क बैक ब्लो बिटवीन शोल्डर विंग्स, शोल्डर विंग्स के बीच में आपको 5 बैक ब्लो देने हैं। एंड ऑप्शन सी, कॉल फॉर एम्बुलेंस। ऑप्शन डी, गिव समथिंग टू ड्रिंक, कुछ पीने के लिए देना है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, गिव फाइव शार्क बैक ब्लो बिटवीन द शोल्डर विंग शोल्डर ब्लेड्स। क्वेश्चन नंबर 56, इमीडिएट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर डॉग बाइट इज, मोस्ट ऑफ रिपीटेड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 56, इमीडिएट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर डॉग बाइट, डॉग बाइट में इमीडिएट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कौन सा है? ऑप्शन ए, कवर विथ ड्रेसिंग। ऑप्शन बी, अप्लाई एंटीसेप्टिक लोशन। ऑप्शन सी, वॉश विथ सॉप एंड वाटर। एंड ऑप्शन डी, सूचर द बिग वोंड। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यहाँ इमीडिएट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट पूछा है। इमीडिएट में सबसे पहले तो उस वुंड को सोप से और वाटर से साफ करेंगे, एटलीस्ट 15 मिनट तक तो उसको वॉश करना है और साफ करना है। रही बात सूचर की, बिग वुंड है तो इमीडिएटली सूचर नहीं किए जाते, एटलीस्ट 24 आवर के बाद में किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, वॉट इन इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन विल यू टेक इन केस ऑफ ब्लड रिएक्शन, ब्लड रिएक्शन के केस में इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन कौन सा यूज करना है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन 57 के ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए, इन्फॉर्म द फिजिशियन। ऑप्शन बी, इन्फॉर्म ब्लड बैंक। ऑप्शन सी, मॉनिटर वाइटल साइंस। एंड ऑप्शन डी, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली एंड मॉनिटर वाइटल साइंस। ट्रांसफ्यूजन को इमीडिएटली स्टॉप करना है और वाइटल साइंस को मेजर करना है। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? 57 का राइट आंसर है, ब्लड रिएक्शन के अंदर इमीडिएट नर्सिंग एक्शन है ऑप्शन डी, स्टॉप ट्रांसफ्यूजन। बाकी ये जो सारी प्रक्रिया है वो बाद में होगी, इस पर सबसे पहले तो ट्रांसफ्यूजन को इमीडिएटली स्टॉप करना है और वाइटल साइंस को मॉनिटर करना है। क्वेश्चन नंबर 58, मिशन इंद्रधनुष वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर, मिशन इंद्रधनुष कब आया था? ऑप्शन ए, दिसंबर 2014। ऑप्शन बी, दिसंबर 2004। ऑप्शन सी, मार्च 2014। या ऑप्शन डी, दिसंबर 2019। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या है? मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत लॉन्च कब हुआ था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, दिसंबर 2014 में। क्वेश्चन नंबर 59, नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम इंक्लूड्स, नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोग्राम में क्या क्या इंक्लूड हैं? ऑप्शन ए, कैंसर, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड डायबिटीज। ऑप्शन बी, कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर एंड स्ट्रोक। ऑप्शन सी, कैंसर, लेप्रोसी, डायबिटीज एंड ट्यूबरक्लोसिस। ऑप्शन डी, कैंसर, डायबिटीज, लेप्रोसी एंड ट्यूबरक्लोसिस। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। यहाँ हमारे दो आंसर बनते हैं, कैंसर, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, डायबिटीज एंड स्ट्रोक, ये सारे नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम में इंक्लूड हैं। जबकि ऑप्शन सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें लेप्रोसी और ट्यूबरक्लोसिस आ रहा है, और ऑप्शन डी भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें भी लेप्रोसी और ट्यूबरक्लोसिस आ रहा है जो कि कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं। क्वेश्चन नंबर 60, INAP stands for, INAP का मतलब क्या है? इंडिया नर्सेज एंड पीडियाट्रिशियन। ऑप्शन बी, इंडिया न्यू एसोसिएशन विद पब्लिक। ऑप्शन सी, इंडिया नर्सेज एंड पब्लिक इनिशियल। एंड ऑप्शन डी, इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान। तो ये हमारा MPCHO में आए हुए क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। MPCHO 2020 में पूछे गए क्वेश्चन हमारा क्लियर हो चुके हैं। अब हम मिलेंगे एक नए टॉपिक और एक नए पेपर के साथ में। थैंक यू।